तेरा मेरा रक्षा बंधन। तेरी हिम्मत कैसे मुझे मैसेज करने की, और अब तक गांव में क्या कर रहा है तू? मैंने मैसेज नहीं किया आपको, मैं तो शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा था। अरे मैसेज तो आपका मारे को आया है, मारे को लगा कोई जरूरी काम आ गया होगा, इसलिए वापस आया मैं। मैंने मैसेज किया? हाँ। मैं क्यों मैसेज करूंगी? ए, मैंने कोई मैसेज नहीं किया, मैं क्यों मैसेज करूंगी? अरे तो फिर ये देखिए, राजू भाग, तू फंसाया जा रहा है। अरे भाग! शाहीन! शुरू हो जाओ। आप दोनों को यहाँ साथ में देख के बड़ा अच्छा लग रहा चुपरी मसा। हरा खेल अब पूरी तरह से खत्म। बस लेके जाओ इसको। गणेश जी, उन्होंने आपके साथ जो भी किया ना, उसका हिसाब बराबर कर लो। इस ठिकाने के बारे में किसी को पता ना था, तुम लोगों को कैसे मिला? अभी बताता हूं, आइए। ये होता है ना, एक इंसान कमजोर तब पड़ता है जब वो अपने आप को हद से ज्यादा होशियार और सामने वाले को हद से ज्यादा बेवकूफ समझ ले। इसे कहते हैं परिवार की एकता की ताकत। अब मैं अपने धोखाधड़ी और कणक जी को झूठे इल्जाम में फंसाने की साजिश के इल्जाम में जेल भी जाऊंगा। अभी कभी कर, जल्दी। ए, ए, छोड़ो, ए, फोन छोड़ो। ये कौन है ये? आपने किसको फोन किया और क्या बोला आपने? नहीं बताऊंगी। जेल भेजना चाहता है ना मुझे? अभी कभी भेज। इसके बदले में तेरे भेड़ के साथ किया होगा तू सोच भी नहीं सकता। ताई माँ कहाँ गई? नजर नहीं आ रही। रसल भाई साहब, एक बुरी खबर है। क्या हो गया? अभी पता चला है सिवा भैया की जान खतरे में। क्या बोल रहे हैं आप? चकोरियों के आदमी ने उसे पकड़ लिया है। क्या आपको पता भाई साहब कहाँ है? जी आइए आइए। किसको फोन किया मैंने पूछा? नहीं बताऊंगी, लेकिन एक बात समझ ले, तूने रसल के लिए जो सुरक्षा कवच तैयार किया है ना, वो जब तक हवेली में है सिर्फ उसी वक्त सुरक्षित है।
एक बार उसने लक्ष्मण रेखा लांघकर हवेली की बाहर आई ना, उसके साथ जो होगा तो सोच भी नहीं सकता, मर जाएगी वो। अपने पति को बोल मुझे छोड़े, वरना इसकी बहन तो जिंदा ना रहने पर। छोड़ो मर जाएगी, तुझे चार से मार दूंगा। क्या किया तूने हमारी बहन के साथ? जितनी देर तू यहाँ पे मेरा गला दबाएगा ना, उतनी जल्दी तेरे बहन के ऊपर खतरा बढ़ता जाएगा। अब तेरी मर्जी, तुझे क्या करना है? मेरी जान लेनी है या अपनी बहन की जान बचानी है? शिवा चलो हम चल के रसाल को ढूंढने के, छोड़ो इन्हें, छोड़ो। नहीं मुझे मार दे, जान से मार दे। शिवा हम अंदर देखते हैं। और देखो देखो रसाल, 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 लाडो, लाडो तू कटे कटे टूटू थारे को रसाल, रसाल, शिवा मिली रसाल, मिली आपको? पूरा घर ढूंढ लिया रसाल का, कहीं तो पता नहीं चल रहा है। शिवा मैंने रसाल को हर कमरे के हर कोने में देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। भगवान, लड्डो, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। जाओ करो। रसाल, शिवा तुम परेशान मत हो, एक काम करती हूँ, मैं दोबारा से रसाल को हर कमरे में देख कर आती हूँ। इन चकोरी मासा का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब कहाँ क्या कर जाए। मैं आती हूँ। रसाल, ऐसा मैं यहाँ हूँ, मदद मदद करिए, मैं यहाँ हूँ। लड्डू कहाँ चले गए तू? लड्डू ले उठ। माधव रोक, अरे साल रुक रुक, खोलो खोलो। ओ शिवा, लड्डू, अरे साल, लड्डू लड्डू आंखें खोल, आंखें खोल। आप आ गए, मुझे पता था आप मुझे बचाने जरूर आओगे। मैं डॉक्टर को जल्दी बुलाओ। शिवा मैं अभी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ के आ रही हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है, रसाल और छोटी रस्तु दोनों ठीक है।
कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? एक अजन्मे बच्चे और उसकी माँ के साथ इतना बुरा करे। आज रसाल की आड़ में फिर से खुद को बचा के ले गई हूँ। लड़ता हूँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो इस घर से बाहर है, और बाहर रहकर वो चाहे जितने भी वार कर लेना, हमारा कुछ ना बिगाड़ सकती हो, क्योंकि हमारी ताकत हमारे परिवार की एकता और एक दूसरे पर भरोसा है हमारा, और जब तक वो है तब तक हम चकोरी मासा से कभी नहीं हारेंगे। कनक जी, ये फोन पे बात करके आता हूँ, थोड़ा जरूरी फोन है। हेलो, हेलो। अरे साल बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, रखता हूँ। एक बार उसने लक्ष्मण रेखा लांघ कर हवेली की बाहर आई ना, उसके साथ जो होगा तो सोच भी नहीं सकता, मर जाएगी वो। लाटो को इस बारे में कुछ ना पता चलना चाहिए। नहीं, रसाल को आप कुछ नहीं बताएंगे। दादी साहब, रसाल और बच्चा ठीक तो है ना? हाँ, अभी ठीक है, भगवान की कृपा है, शिवा ने उसकी जान बचा ली। तो बात कर। मैं जानता हूँ रसाल, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, बहुत सी तकलीफें, बहुत सी परेशानियां तुम्हें दी हैं, लेकिन मेरा इरादा कभी गलत नहीं था। मैं चाहता था बस तुम्हें और अपने होने वाले बच्चे को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। आज अपने बच्चे के लिए ईमानदारी से कमाए हुए पैसे लाया हूं। रसाल, मुझे कभी मेरे बच्चे से अलग मत करना। बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारी मम्मा ने तुमसे कहा होगा कि आपके डैडी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, आपके डैडी आपके लिए अपने आप को बदल देंगे और एक बहुत ही अच्छे इंसान बनेंगे। पता है बेटा, जब मैं बहुत छोटा था ना, तब मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए थे, और जो मेरे अपने थे वो धोखेबाज निकले, और एक बार आपके डैडी फिर से जिंदगी में अकेले और तन्हा पड़ गए, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर से मुझे मौका दिया
और आप मेरी जिंदगी में आ गए, मेरा अपना खून। और आपके लिए आपके डैडी कुछ भी कर सकते हैं। रसाल, अपने बच्चे के लिए मैं अपने उलझे हुए रिश्ते को सुधारने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारा बच्चा ये खूबसूरत दुनिया डिजर्व करता है, और इसे ये खूबसूरत दुनिया हम दोनों मिलकर देंगे। और आज से जिंदगी में मैं बस वही करूंगा जो सही होगा। शिवा, आपकी ब्लड रिपोर्ट्स देखने से पता चल रहा है कि तुम्हें खून की बहुत बुरी बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें जान का खतरा हो सकता है। डॉक्टर साहब, हमारी इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा ना? इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है, प्लाज्मा डोनेशन। क्या आपके घर पे कोई ऐसा है जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच करता हो, जैसे कि माता पिता, भाई बहन, जो प्लाज्मा डोनेट कर सके? खून के रिश्ते के नाम पे हमारी बहन है, बस एक वही है, लेकिन पेट से है वो। तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो प्लाज्मा डोनेट कर सकती है तो उसका बच्चा मर सकता है। मैं तो आप लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि आप लोगों को इसके लिए एकदम तैयार रहना होगा। और मैं आप लोगों को ये भी बोलना चाहूंगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप एक प्लाज्मा डोनर ढूंढ लीजिए जिसका ब्लड ग्रुप आपसे मैच करता हो। हालांकि ये सब बहुत रेयर केस में मैच होता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आपकी जो बीमारी है वो एडवांस लेवल पे आके पकड़ में आई है, तो हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये कैसे मुश्किल रास्ते पर खड़ा कर दिया भगवान। एक तरफ मरी जान है तो दूसरी तरफ रसाल की खुशियां, उसका बच्चा। आप इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है भाई साहब? भाई साहब।
साल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? साल भाईता, साल मेरी बात सुनो भाईता। साल लड्डू भाई साहब, भाई साहब कहाँ थे? मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यहीं था लड्डू। लेकिन तू इतना घबराए घबराए कहाँ से आ रही है, क्या हुआ? भाई साहब मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। सपने में मुझसे दूर जा रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई साहब, क्या आप किसी मुश्किल में हैं? बताइए ना भाई साहब। ये पगली, जरा सा बुरा सपना क्या देखा तूने? इतनी लापरवाही से भागी चली आ रही है। अरे ये तो सोच कि थारे साथ अब एक नन्ही सी जान की जिंदगी जुड़ी हुई है, जिसका ख्याल रखना और रक्षा करना थारी जिम्मेदारी है। और कोई तुझे थारे भाई साहब से कभी दूर नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है ना तो आप मुझसे वादा करिए कि आप मुझसे कभी दूर नहीं जाएंगे। ये वादा कैसे करूं लड्डू? मैं जानता हूं तेरी ये मांग मैं चाहकर भी पूरी ना कर सकता। ABCDEFGHI JKN NOPQRSTUVWX